जिस भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को आजाद कराया, आज उसी भारत के खिलाफ आवाज उठने के पीछे हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। बांग्लादेश में एक नया कैंपेन चल रहा है और वो भी भारत के खिलाफ। जी हां, मालदीव के ठीक बाद बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है। बांग्लादेश के अंदर चलने वाली कैंपेन के बाद हिंदुस्तान इस रीजन में तन्हा रह चुका है। पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, नेपाल के साथ अच्छे नहीं है, चीन के साथ अच्छे नहीं है, भूटान के साथ अच्छे नहीं है, म्यांमार के साथ अच्छे नहीं है, और अब बांग्लादेश के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। बांग्लादेशी बहुत ही बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया की प्रोडक्ट ना खरीदी जाए, बांग्लादेश की हर गली हर घर के अंदर ये आवाज़ गूंज रही है कि हिंदुस्तानी चीज़ों को ना खरीदा जाए। तो आज देखते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया किस तरह प्रोपेगेंडा कर रहा है बांग्लादेश को लेकर, और पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी, 1 2 3 गो। जिस भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को आजाद कराया, आज उसी भारत के खिलाफ आवाज उठने के पीछे हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। बांग्लादेश में एक नया कैंपेन चल रहा है और वो भी भारत के खिलाफ। जी हां, मालदीव के ठीक बाद बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है। बांग्लादेश में इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव में शेख हसीना की जीत के बाद पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ा हुआ है। ये कैंपेन मालदीव में शुरू हुआ, लेकिन बांग्लादेश में कुछ लोग, खासकर अपोजिशन पार्टी यानी बीएनपी ने भी इसे अपना लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत का गोदी मीडिया अगर साइड पर रख ले और हकीकत देखें तो भारत के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि कोई भी हमसाया इसके साथ सही तरह से नहीं बर्ताव कर रहा। आप देख लें कि मालदीव में इन्होंने अपनी फौजें भेजकर मालदीव पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की, वहाँ पर मोहम्मद मोइज़ू की सरकार आई और दोस्तों आज वहाँ से ये बोरिया बिस्तर बांध कर भाग रहे हैं। यहाँ तक के मोहम्मद मोइज़ू की सरकार ने ये कहा है कि इंडियन आर्मी को इजाजत है वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन जो हेलीकॉप्टर वो लेके आए थे वो हेलीकॉप्टर हमारे ही है, वो छोड़कर भाग जाए। तो यहाँ पर ये हालात हो गए थे इंडियन आर्मी के, यानी कपड़ा और जूते सब कुछ छोड़कर वहाँ से ये भागे हैं, और ये बड़ी पाकिस्तान और चीन की बहुत बड़ी जीत थी कि यहाँ से इंडिया का सफाया हो गया मालदीव से। अब बांग्लादेश से भी इंडिया का सफाया हो रहा है। जनवरी में होने वाले इलेक्शन में शेख हसीना फिर से सरकार में जीत कर आई है, और आपको पता है कि वो भारत की बहुत बड़ी कठपुतली है। ये नाजायज औरत हमेशा भारत को ही सपोर्ट करती है और दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ हमेशा इसका कदम आगे रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ इसकी बहुत ज्यादा नफरत है। इसलिए वहाँ पर अब जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसने ये मांग करना शुरू कर दी है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये धांधली ज्यादा हुए हैं और इंडिया ने यहाँ पर सिस्टम हैक करके बांग्लादेश में शेख हसीना को जितवाया है। अब बीएनपी ये मांग कर रही है कि बांग्लादेश में से इंडिया को आउट किया जाए, वहाँ पर जो इनकी मिलिट्री है या फिर इनके जो प्रोडक्ट्स है उनका बायकॉट किया जाए। और दोस्तों वैसे ही जैसे मालदीव पे 2 साल पहले सख्त तहरीक शुरू हुई थी इंडिया आउट की, आज वो तहरीक हमें देखने को मिल रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से भी अगर इंडिया आउट हो जाता है फिर देखिए कि इंडिया के साथ है कौन। नेपाल छोटा सा मुल्क, उसने भी इंडिया के 3 इलाकों पर धावा किया हुआ है जिनमें काला पानी है, लंपियादुरा। इसी के साथ दोस्तों आगे आ जाता है चाइना, और चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं ही नहीं, वहाँ पर तो जंग के हालात है। पाकिस्तान के साथ तो हमेशा जंग के हालात रहे हैं, 4 जंगे भी लड़ चुके हैं। आगे आ जाए तो मालदीव के साथ भी इंडिया के बहुत ही बुरे हालात है। इंडिया का कोई एक पड़ोसी सिवाय भूटान के कोई भी एक पड़ोसी भी अच्छा नहीं है जो उसके साथ खड़ा हो सके, और भूटान तो दोस्तों छोटा सा मुल्क है, वो भी इंडिया से बहुत ही जगह पर खफा है, क्योंकि इंडिया जब किसी मुल्क की मदद करता है तो वो कुत्ते की तरह वहाँ पर गिनता रहता है। मालदीव ने कहा है कि इंडिया हमें बुली कर रहा है क्योंकि हम छोटे मुल्क हैं। तो इंडिया का जो जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, इतना बड़ा बेवकूफ दुनिया में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये अपने आप को फॉरेन मिनिस्टर कहता है और इसे जुबान तक नहीं बोलनी आती। ये कहता है कि हमने तो दुनिया को $4.5 बिलियन दिए थे। इनसे कोई पूछे कि आपने कब दिए थे, किस मुल्क को दिए थे, आपने तो कभी किसी मुल्क को 1 रुपया नहीं दिया। अगर इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखी जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी मुल्क इंडिया है, सबसे ज्यादा अमदाद अमेरिका से इंडिया लेता है, मिलिट्री एड, मेडिकल एड, ब्रेड एड, हर तरह की एड तो आप लेते हैं दुनिया से, और आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। और कहते हैं कि हमने कोविड में लोगों की मदद की, ये किया वो किया, ये सब झूठ है। और जयशंकर जो अपने आप को दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर कहता है उस पर थू है, क्योंकि दुनिया में इससे ज्यादा मजाहिया बंदा हमने नहीं देखा जो ऐसी बातें करे जो छुट्टे लोग करते हैं, जो नीच लोग करते हैं, और ये इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर
मालदीप को कह रहा है कि हम बुली नहीं है, हम क्योंकि बुली अगर होते तो हम 4 या 5 बिलियन डॉलर की अमदाद न करते। तो दोस्तों आगे भी आपको सुनाते हैं बांग्लादेश ने इनके क्या हवा टाइट की है, वो आगे सुने, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बीएनपी ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन 2009 में बांग्लादेश के सत्ता की कमान बीएनपी के हाथ से निकल गई और तब से उसकी गिरावट का दौर जारी है। बीएनपी ने 2014 में चुनावों का बहिष्कार किया और 2019 में उन्होंने सिर्फ 5 सीटें जीती। अब सत्ता में वापस आने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस पार्टी की नई स्ट्रैटेजी को इस तरीके से समझा जा सकता है। हाल ही में शेख हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश में चुनाव जीता है और इसके बाद से ही वहां पर इंडिया आउट कैंपेन को तेजी से चलाया जा रहा है। इंडिया आउट अभियान में भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को टारगेट किया जा रहा है। अभियान में बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन के समर्थन में नैरेटिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में काम हो रहा है। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आतंकवाद, कट्टरपंथ और इस्लामीकरण के बीच उसके बनने के टाइम पर ही बो दिए गए थे। बांग्लादेश के बनने के कुछ समय बाद ही 1975 में फादर ऑफ द नेशन बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई। ये क्राइम जनरल जियाउर रहमान के समर्थन से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का निर्माण किया, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी बने। जनरल जिया के समय में फ्रीडम फाइटर्स एंड सेक्युलर फोर्सेस पर बहुत हमले हुए। सूत्रों के मुताबिक बीएनपी के बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर 1971 के युद्ध में मानवता के खिलाफ बहुत से अपराध किए थे। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे तब आई जब जनरल जिया के डायरेक्ट अपॉइंट्स मार्शल मोहम्मद गुलाम तबाब ने पॉलिटिकल रैली में बांग्लादेश को एक सेक्युलर स्टेट से एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की बात कही। दिसंबर 1990 में बांग्लादेश में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की मिलिट्री रेजीम का अंत हुआ। ये वो दौर था जिसके बाद बांग्लादेश में एक सिविलियन रूल की शुरुआत हुई। साल 2008 में बांग्लादेश में एक बार फिर से आम चुनाव हुए और इसमें अवामी लीग को बड़ी जीत हासिल हुई और ये बांग्लादेश में एक नॉन पार्टिशन न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के नेतृत्व में होने वाले आखिरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन बन गए। साल 2014 के जनरल इलेक्शन का बीएनपी ने बॉयकॉट किया, लेकिन इन चुनाव में अवामी लोग और उनके पार्टनर्स बहुत ही भारी बहुमत से पावर में आ गए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी आज इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। उनका कहना है कि भारत ने शेख हसीना की सरकार को इलीगल मीम्स के जरिए इलेक्शन जीतने में मदद की है और इसलिए वो सभी इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। ये इंडिया आउट कैंपेन खास तौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है। 50,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले मीडिया चैनल्स इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए हैशटैग इंडिया आउट जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पूरा कैंपेन घोषित आतंकी तारिक रहमान के समर्थन से किया जा रहा है, जो बीएनपी का एक्टिंग चेयरमैन होने के साथ साथ ही पूर्व लीडर जियाउर रहमान एंड खालिदा जिया का बेटा है और लंदन में। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर एक ही बात की जा रही है कि किस तरह भारत प्रोपेगेंडा करके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को खराब कर रहा है और किस तरह बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, मालदीप हो, तो यहाँ पर हिंदुस्तान की क्या सिचुएशन है, किस तरह लोग खिलाफ हैं हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान की फौज जो कुछ बॉर्डर के ऊपर कर रही है और जिस तरह नेपाल की ज़मीन पर कब्जा किया, कश्मीर पर कब्जा किया, चीन की ज़मीन पर कब्जा किया और इसी तरह से बांग्लादेश के पानी के ऊपर कब्जा, बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर गोलाबारी, बांग्लादेश के अंदर मुदाखलत, बांग्लादेश के अंदर रॉ के एजेंट, ऐसे कई वसाइल हैं जो इसने अपने हमसायों के साथ अपने इश्यूज बनाए हुए हैं। और आज बांग्लादेश के अंदर मालदीप के बाद बड़ी कंपेन चल रही है। मैं समझता हूं मालदीप से भी बड़ी कंपेन बांग्लादेश के अंदर चल रही है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो यह थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।